और चलो गाइस, फाइनली हाँ, कतर जीत चुका है 3 गोल से। लेकिन आज हमारे टीम इंडिया ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि कतर एक बहुत ही खतरनाक टीम है, जैसे कि एशिया कप भी जीत चुका है और वर्ल्ड कप भी खेला हुआ एक ऐसा टीम के साथ हमारे टीम इंडिया मुकाबला करते हुए लेकिन बहुत ही अच्छा खेला है। लेकिन शुरुआती पर मतलब गाइस, जैसे कि 4 मिनट पे गोल खाया है इंडिया ने, उसके बाद हाफ टाइम के बाद सेकंड हाफ में शुरुआती में गोल खाया है, लेकिन उसके बाद जो वापसी किया है ना गाइस, अमेजिंग। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे टीम इंडिया को अभी सीखना चाहिए कि और भी ज़्यादा हमें अटैक करना पड़ेगा और जो छोटे छोटे पास हमने जो मिस किया है उसे थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग हौसला मत छोड़ना, क्योंकि हमारा टीम इंडिया एक दिन जरूर क्वालिफाई करेंगे। एंड यस, हमें सिर्फ अभी इस ग्रुप में टॉप 2 में रहना है, लेकिन ऑब्वियसली कतर तो टॉप 1 पर है, लेकिन अभी हमें टॉप 2 में रहना है। तो गाइज प्लीज आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो। एंड यस, बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे जो नवरी महेश बहुत ही अच्छा खेले आज, लेकिन अपुया बहुत ही अच्छा खेले, और थोड़ा मिस दिखा हमारे जो उदांता सिंह, थोड़ा सा पास थोड़ा सा मिस दिखा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सीख रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दो एंड प्लीज़ सपोर्ट करो ऐसे ही टीम इंडिया को। एंड आई होप कि नेक्स्ट मैच जीतेगा, एंड प्लीज़ सपोर्ट करते रहो गाइस, यही सपोर्ट चाहिए हमें। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट मत छोड़ो। बाय बाय, जय हिंद।